ये हमारी ऑर्थोग्राफिक व्यू की एक्सरसाइज 6 है, इसके आपको यहाँ पर ड्राइंग शो हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस ड्राइंग को हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे, और सबसे पहले हम अपना टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो टॉप व्यू में हमें ये फेस दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, जो जो हमें दिख रहा है टॉप व्यू में वो हम सबसे पहले बनाएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ साथ चलते रहें, जिससे आपकी एक एक क्वेरी आपको डिटेल में समझ आएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होने की है। ठीक है, तो हमारे साथ साथ चलते हैं। चलिए हम अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। मैंने ऑटोकैड का इंटरफेस खोल लिया है। चलिए हम चलते हैं, अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम टॉप व्यू बना रहे हैं तो हमें एक 50x62 का रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये तो हमारा 62 था, उसके बाद ये 50, आगे ये इतना पार्ट हमारा, इतना पोर्शन बन चुका है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा होगा कि 99 को ऑफसेट करके यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये फेस दिख रहा है, तो हमें ये बनाना है। सबसे पहले ऑटोकैड में मैंने ऑफसेट ले लिया 9 का, एक इधर से एक इधर से। ओके, आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा आई होप। उसके बाद मुझे ये वाला फेस दिख रहा है और ये वाला फेस दिख रहा है और ये फेस दिख रहे हैं। प्रीवियस ड्राइंग में मैंने बताया था, जैसे ये वाली ड्राइंग है, ये जो लाइन है यहाँ पर एक लाइन आएगी। ठीक है, हमें यहाँ पर दो फेस, एक ये वाला फेस और ऐसा ही फेस एक इधर ही साइड में है इसके। ठीक है, बीच में लाइन है अब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये दोनों फेस बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऑफसेट बनना है 16 का, फिर वहाँ से भी 16 का। आप 62 में से अगर 22 और 18 को माइनस करेंगे तो आपकी वाई लेंथ फाइंड हो जाएगी, तो इसके ये 16 ही आएगी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। पहले मैंने ऑफसेट लिया, ओ एंटर का ऑफसेट 16 लिया, दो ऑफसेट मार दिए और एक ऑफसेट मार दिया मैंने 20 का। ठीक है, ऊपर से, और जो जो मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरा 9 वाला ऑफसेट था। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए इतना इतना, जो 9 वाला ऑफसेट था। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सॉलिड में मैं दिखा रहा हूँ, जैसे टॉप है तो आइसोमेट्रिक में ड्राइंग जो है ऐसे रखी थी। ठीक है, जिससे कि हमें ये वाला फेस तो दिख नहीं रहा, लेकिन आपको खुद समझना है कि ये एज्यूम नहीं करना, मतलब समझना है यहाँ पर ये फेस है तो यहाँ पर भी वो वैसी बात है वाला फेस होगा। ठीक है, और बीच में एक लाइन शो हो रही है अगर आपको दिख रही हो तो। ठीक है, ये वाली लाइन, ओके, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इतना शो हो रहा है ये वाला फेस। ठीक है, चलते हम बनाते हैं। अब यहाँ पर इसका मेड है टोटल, ये हमें दे रखे 30। ठीक है, तो मुझे यहाँ से 15 का ऑफसेट लेना था, 15 का ऑफसेट नहीं ले रहा मुझे, ये मैं मिड से मिड को मिला दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक ही 15 और 15 की बैठ चुकी है। ठीक है, इतना पोर्ट्रेट मेरा बन चुका है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, एक ही वाला ट्राइंगल बना देता हूँ अपना। ठीक है, जो मुझे टॉप से भी दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले चलने से पहले मैं बनाऊँगा कैसे, मैं तो मुझे मिड पॉइंट से 9 आगे की तरफ उठाऊँगा, टोटल हमें 18 दे रखी है। ठीक है, आप चलो पहले ऑटो कैड में बनाता हूँ। मुझे ये दे रखी थी 9, तो लेके दे रखी थी यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो मैंने इसके मिड से ही उठाई 9 ले ली। ठीक है, उसके बाद मैंने ओ एंटर का ऑफसेट लिया 9 का, इधर मारा 9 का, मारा मैंने ऑफसेट इधर, क्योंकि ये टोटल लेंथ इसकी 18 थी। ठीक है, फिर मैंने दोबारा लाइन कमांड ली, मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, बाकी सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ क्योंकि उनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इतना मेरा पोर्शन टॉप व्यू का तैयार हो चुका है। अभी एक चीज़ और इसमें रह गई है, वो ये है कि आपको यहाँ से जो लाइन दे रखी है ये वाली, एक ये और एक ये जो लाइन आएंगी यहाँ पे, ये हिडन आएंगी, क्योंकि हमें टॉप से तो दिख नहीं रही लेकिन हमें हिडन दिख रही है। ठीक है, हमें पता ही है लेकिन हमें टॉप में शो हिडन करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक बार सॉलिड में भी दिखा देता हूँ, हमारा जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी जो लाइन है ये वाली, एक ये और एक ये वाली, तो ये जो है हमारी टॉप से हिडन में शो होंगी। ठीक है, तो कितनी कितनी दूरी है इनकी, यहाँ से लेके 16 और यहाँ से लेके भी 16,
आगे पीछे से 16:16 का ऑफसेट लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये ड्राइंग यहाँ तक समझ आई होगी। ठीक है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइनों को पकड़ता हूँ और क्या करता हूँ, हिडन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों लाइनें प्रॉपर्टीज बनता यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। यहाँ पर क्या है कि मेरी यहाँ पर क्या है कि मेरी हिडन लाइन भी हो चुकी है। ठीक है, तो मेरा टॉप व्यू पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं अपने फ्रंट व्यू पर। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में क्या क्या दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है, एक ये और एक ये वाला फेस। ठीक है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 62 बाई 42 रेक्टेंगल बनाते हैं सबसे पहले एक अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये तो मेरा 42 थी हाइट, वेज लेंथ मेरी थी 62, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हमारा प्रोजेक्शन मिल रही है। सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्शन से मिलता हुआ देखूंगा। ठीक है, तो टॉप से हमें क्या दिख रहा है, 99 का ऑफसेट ये दिख रहा है। मैं पहले सबसे पहले मैं यही करता हूँ, 99 का ऑफसेट मारता हूँ, 9 का। ठीक है, उसके बाद एक ऑफसेट मारना है मुझे नीचे से यहाँ तक का कितना है 16। ठीक है, क्योंकि मुझे ये और ये फेस सब दिखाने हैं। ठीक है, तो मैं एक ऑफसेट मारता हूँ 16 का। ठीक है, अब मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ जो ये मेरे हैं, क्योंकि 99 की सिर्फ यहाँ यहाँ का दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना है कि उसके बाद यहाँ पर ये फेस दिखाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फेसों के लिए एक ऑफसेट मारूंगा, इधर से 22 का, इधर से भी 22 का। अगर आप 62 में से 22 और 18 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और अगर आप 62 में से 30 और 16 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा। मैंने पहले शायद 22 और 18 बोल दिया था। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वाई लेंथ में से इन दोनों को माइनस कर देते हो तो ये वाई लेंथ आ जाएगी। अगर 62 में से इस वाई लेंथ को, इस वाई लेंथ को माइनस कर देते हैं तो आपकी ये लेंथ आ जाएगी जो कि 16 है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं। मैंने ऑफसेट लिया 22 का, एक इधर मारा, एक इधर मारा। अभी ऑटोमेटिक की हमारी जो लेंथ है वो यहाँ की 18 आ चुकी है। ठीक है, लेकिन 18 को मुझे दो पार्टों में डिवाइड करना है, क्योंकि 20 से मिट आ जाएगी। ये वाला फेस ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, मैं आपको सॉलिड में भी दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर मेरी ऐसे रखी है, ये जो फेस है मेरा यहाँ पर भी है, बीच में जो है जुड़ा पड़ा है, तो ये बीच की लाइन भी आएगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इसके मिड से ले लेता हूँ। ऑटोमेटिक 9 और 9 ही बैठी है। ठीक है, इतना पोर्शन हमारा बन गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ये वाला फेस बनाना है इसका भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं। चलो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 22 मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखी है और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे होगे कि बिल्कुल प्रोजेक्शन सबकी देखो साथ साथ मिल रही है। ये हमारी 9 की थी तो 9 की 9 से मिल रही है, ये वाली थी ये वाली इससे मिल रही है, बीच की लाइन ये देखो इससे मिल रही है, ये इससे मिल रही है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग बिल्कुल चल रहे हैं। ठीक है, अब यहीं से मुझे क्या करना है, यहाँ की मिड जो है मैंने 22 एक ले ली, ये रैंडम लाइन ले रहा हूँ अभी। उसके बाद मुझे एक ऑफसेट लेता हूँ 16 का। ठीक है, 22 की मैंने लाइन ले ली मिड से, क्योंकि मैं यहाँ से दे रखा है ना 22, और यहाँ से मैं अगर ऑफसेट लेता हूँ 16 का, ऑफसेट यहाँ से लूँगा, 16 का यहाँ से लूँगा, फिर इन दोनों लाइनों को मैं आपस में मिला दूँगा तो मेरा ये वाला फेस बन जाएगा। ठीक है, सॉरी 22 तो मेरी यहाँ से यहाँ तक की है, मुझे 15 लेनी है यहाँ से यहाँ तक की। ओके, सॉरी मुझे यहाँ 22 नहीं, सॉरी मैंने गलत ले ली, लेकिन मुझे यहाँ से लेनी है 15 मिड से, बिल्कुल मिड से। अब यहाँ से मुझे ऑफसेट लेना है कितने का, 16 का। मैंने इस वाली लाइन से ले लिया, ठीक है, 16 का मैंने ऑफसेट ले लिया।
ठीक है, इतना भी प्रोपोर्शन मेरा बन चुका है। ठीक है, अब लेकिन हमें यहाँ पर इतना पोर्शन मेरा बन चुका है, तो यहाँ पर मुझे हिडन लाइन दिख रही है, कौन सी? ये वाली सिक्स की, यहाँ से लेके यहाँ तक की सिक्स दे रखी है ना, तो यहाँ से मुझे हिडन आएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ड्रॉइंग समझ आई होगी। तो मैं सिक्स की भी लाइन लेकर हिडन कर देता हूँ। मैंने यहाँ से नीचे से सिक्स ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है, और इसको कर दिया मैंने हिडन में कन्वर्ट। सेवन ठीक है, मेरे फ्रंट बन गया, मेरा टॉप बन गया। अब उसके बाद आता हूँ मैं साइड पे। ठीक है, साइड मुझे कैसा बनाना है? साइड मुझे बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, 16 6, और ये मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? अगर 50 में से 16 और 16 हटा देता हूँ तो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ जाती है 18। ठीक है, आपको समझ आ रहा पहले मुझे, और यहाँ से मेरी 42 है ही। तो चलिए हम अपने ड्राइंग का अपने साइड भी बनाते हैं। मतलब कितना था? 16 6, फिर 18, मैंने बताया आपको 50 में से अगर आप 16 और 16 माइनस कर देते हैं तो आपकी 18 आएगी। उसके बाद दोबारा 16, उसके बाद 42, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद यहाँ से हमारी है 16, अब देखिए बिल्कुल मैंने क्या करा, मैंने अभी प्रोजेक्शन चेक नहीं करी, देखो बिल्कुल मिल रही है ना मेरी प्रोजेक्शन, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रोजेक्शन बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। ये देखिए बिल्कुल मिल रही है ना, मिल रही, अकॉर्डिंग टू आर ड्रॉइंग हम चल रहे हैं, बिल्कुल हमारी प्रोजेक्शन जो है मिल रही है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर स्पेस में आपको समझाता हूँ कि हमने इतना पोर्शन बनाया लेकिन हमें इसमें हिडन क्या क्या दिख रहा है। आपको देखो ये वाली लाइन जो है वो हिडन दिखेगी, ये वाली, ठीक है, यहाँ से ये वाली, और फिर उसके बाद आपको ये भी हिडन दिखेगी। ठीक है, मतलब ऐसे करके यहाँ पे यूँ हिडन दिख रही है, दिख रही है ये आपको एक हिडन दिख रही है, लेकिन आपको ये वाला जो फेस है वो भी हिडन दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 15 15 के बाद यहाँ बीच ये जो लाइन है बीच की यहाँ पर ये भी हिडन में आएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो चलिए हम अपने ऑटो कैट पर बनाते हैं। मैंने यहाँ से सबसे पहले लिया 15 क्योंकि मुझे हिडन दिख रहा था, यहाँ से मैंने पूरा मिला दिया क्योंकि वही जो लाइन आएगी बीच से हिडन आएगी। उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ से भी मिलाना था, ठीक है, मैंने पूरा मिला दिया यहाँ से यहाँ तक क्योंकि हिडन दिख रहा था पूरा। आई होप आपको ये ड्राइंग समझ आई होगी। अब मैं इसको हिडन लाइन, इसको लाइन को कन्वर्ट कर देता हूँ हिडन में। ठीक है, उसके बाद मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट अपना। टॉप व्यू था, फ्रंट व्यू, मेरा लेचेस, ठीक है, यहाँ पर हमारी तीनों व्यू बनके तैयार हो चुके हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, LHS व्यू। अगर किसी को इस ड्राइंग में कोई भी क्वेरी है, छोटी से छोटी भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और जो जिसको हमारी ऑर्थोग्राफिक व्यू की ड्राइंग पसंद आई है वो जाकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।